इंस्टाग्राम का जो सबसे बड़ा हवाबाज बंदा है, जो 200 किलो है, तो इन दोनों के बीच में अब क्या होगा? और दूसरी जो कंट्रोवर्सी चल रही है, एक मिनट, सूफी भैया यहाँ पे आ चुके हैं, मैं सूफी भैया को ऐड करना चाहूंगा। सूत्रों के अनुसार मुझे जो खबर मिली है, लेकिन मैं सूफी भैया से ही पूछ लेता हूँ। सूफी भैया, दूसरा जो खेला है वो चलेगा आज गुड़गांव की शेरनी के ऊपर, क्योंकि आज वहां पे कुछ बहुत बड़ी प्लानिंग्स हो रखी है, कुछ एड्रेस की दोनों ग्रुप के बीच में आनंद प्रदान, ऐसे एक एड्रेस एंड दूसरा एड्रेस, ऐसे ऐसे एड्रेस को एक्सचेंज किया गया है आज। तो आज शेरनी का डॉन अपने ग्रुप के साथ और एक साइड सुमित नारंग का ग्रुप अपने बंदों के साथ वो कहीं पे मिलने वाले हैं, और किसी भी टाइम वो लोग लाइव पे आ सकते हैं। तो अब पता नहीं लाइव पे क्या होगा, किसका सर फूटेगा, किसकी हड्डियां टूटेगी, कौन जेल में जाएगा, क्या होगा, कुछ पता नहीं है। लेकिन खेला पक्का है आज का। और मैंने सुना सूफी भैया 200 किलो ने तुमको गाली दी है? क्यों? भाई अब मैं आपको क्या बताऊं पनोड़ी भाई, कहीं पे गैंग वार होगा, कहीं पे हो सकता है गैंग बैंग हो जाए भाई। भाई मेरे को तो पनोड़ी भाई आपको पता है मेरे पे पहले कितने हमले हो चुके हैं, क्योंकि जब कोई फेमस हो जाता है, सेलिब्रिटी बन जाता है भाई, और उसको हाँ फंड्स आने शुरू हो जाते हैं, तो उसके दुश्मन भी बढ़ जाते हैं पनोड़ी भाई, आपको पता है इस बात का। वाह, कतई मलूक लग रहे हो पनोड़ी भाई। एक सॉन्ग था यार, मैं भूल गया, वो माधुरी दीक्षित, नहीं माधुरी दीक्षित का नहीं, वो कौन सा, अनिल कपूर है ना, वो जो एक लेडी अपना जो पास्ट अवे हो गई, श्रीदेवी का कौन सा सॉन्ग था, श्रीदेवी का और अनिल कपूर का, काटे वही नहीं कटते ये दिन ये रात, कहनी थी जो तुझसे जो दिल की बात, लो आज मैं कहता हूँ आई लव यू। तुमने तो दिल्ली धड़का दिया भाई, जो फेफड़ों फेफड़ों को भड़का दिया परोड़ी भाई। ओ माय गॉड। तो आज कहीं पे गैंग वॉर होगा, दो ग्रुप, सुमित नारंग का ग्रुप जिसमें एक से एक बड़े गैंगस्टर, जिसमें दो गैंगस्टर के तो नाम मैं जानता हूं, आप लोग भी जानते हो, एक का नाम है गोल्डी हरसाना और दूसरा एक गैंगस्टर है उसका नाम है बाबा मलिक, ऐसा कुछ नाम है, बट वो बंदा कभी इंस्टाग्राम पे आया नहीं आज तक, ही इज अ रियल गैंगस्टर, बाबा मलिक नाम है उसका। एंड तो देखते हैं आज दोनों गैंगों के बीच में क्या होता है। और राहुल नाम का जो बंदा है उसका ये रोल है, वो क्या बोल, दोपेचिया क्या बोलते हैं उसको, जो दोनों तरफ में वो करता है भाई, वो मांडवाली बादशाह, हाँ, हाँ क्या उसको बोले हैं मांडवाली उसको। बादशाह बोलते हैं, मांडवाली। तो जो ओके राहुल नाम का बंदा है वो आज के गैंग वॉर में वो बीच में बैठने वाला है, और वो उसका राहुल और कुछ राहुल भी एक गैंगस्टर है जैसे वो बोलता है वो, लेकिन मुझे भी राहुल बहुत ही बड़ा हवाबाज लगता है। वो बहन जो गैंग वार थोड़ी कराएगा भाई, वो बीच में बैठ गया तो गैंग बैंग करवाएगा भाई, कसम से। तो भाई देखो, सूत्रों के अनुसार जितनी भी मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है वो इंफॉर्मेशन के अनुसार आज ये सारी चीजें लाइव पे होने वाली है। अब पता नहीं वो लोग कौन से टाइम पे मिलने वाले हैं, क्योंकि भाई आज या तो शेरनी बचेगी या तो फिर बचेगा सुमित नारंग, ठीक है, क्योंकि भाई अब इंस्टाग्राम की लड़ाई लाइव से निकल के रियल लाइफ में आ चुकी है, दोनों साइड। हाँ एक कड़क इन्फॉर्मेशन मैं हाँ भी देता हूं आपको, बिल्कुल कड़क, गर्मा बोलो। गर्म। हाँ आज गुच्ची बाबा को थप्पड़ पड़ा भाई। किसने मारा? भाई एक लड़की ने मारा, पांडे पांडे नाम है, क्या नाम है उसका भाई, उसने जानवी थप्पड़ पांडे ने? पहन गुच्ची बाबा को पड़ा भाई, कसम से।
रियल में मारा। हाँ भाई उसका फोन आया था, मैं बोला बहन जो तू भी भाई बहुत कड़क थप्पड़ पड़ा भाई आज। फिर मैंने कहा बता बता क्या सीन हुआ, फिर उसने फोन काट दिया। मैंने मिलाया, दो बार ही फोन मिला, उसके बाद उसने उठाया नहीं भाई। गुच्ची बाबा को थप्पड़ चांटे तो पड़ने ही थे उसे, काम ही उसने ऐसा किया था तो फिर चांटे तो लगने ही थे ना। सही बात है बहन। आज 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 लूटते हैं भाई इसका, इसकी इज्जत लूटते हैं, गुच्ची बाबा को बिठा के ना बीच में। तो आज का जो दो दो अब ये तीसरा नया खेला है जिसकी इंफॉर्मेशन सूफी के पास थी, मेरे पास तो ये इंफॉर्मेशन थी नहीं। तो आज का जो खेला है सूफी मां चोद देगा 200 किलो की हवा बात की। आज सूफी उसके कुछ राज खोलेगा अपनी लाइफ पे कि जो आईफोन का जो एक्चुअल राज था उसमें मोटे ने कितने पैसे दिए थे, आज तक वो पैसे सूफी की जेब में पहुंचे कि नहीं पहुंचे, वो सारी चीजों का पर्दाफाश होगा खेला में। अब मुझे तो फिर पता नहीं कुछ, फिर वहां पे कुछ बर्ड को रेस्क्यू करने में चला गया, तो फिर मैंने लाइव से बाहर निकल गया। वाओ तो भाई, सिडनी अब तू बच के दिखा, तूने बहुत लोगों को फालतू में गाली दी है, कतई फालतू में सब लोगों को तूने गाली दी है ना, अब देख तेरे कैसे चांटे पे चांटे बचते हैं। यार मेरी जो गैंग है उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि चूत पे चाटे मत मारना, वरना डॉन कहाँ लंड डालेगा। मैं चाहता हूँ शेरनी की गांड के ऊपर चाटे लगा जाए, शेरनी की गांड पे ऐसे, शेरनी को बैंड करके, शेरनी को ऐसे बैंड करके, ऐसे ऐसे शेरनी को ऐसे खड़ी रख के फिर यहाँ पे शेरनी को चाटे मारे जाए, यहाँ पे मारो, उसकी वीडियो बनाओ, मैं वायरल करूंगा। ये मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है मेरी गैंग से। तो गुल्ली हरसाना मेरा भाई, आज वो छोड़ेगा नहीं मेरा भाई। शेरनी अब तू बच के दिखा, मुझे रोना आ रहा है सूफी भैया, मैं क्या करूं अब। अरे पनोड़ी भाई चाय पियो आप सुबह सुबह, अपनी क्यों खराब कर रहे हो, दिन मत खराब करो, पानी पियो, चाय पियो, जूस पियो। और हमारा तो यहाँ पे दारू का टाइम हो गया भाई। तो सूफी भैया तुम पैक बनाओ, अब मैं एक घंटे में मिलता हूँ, ठीक है? चलो भाई, आज के खेले का सारा अनाउंसमेंट हो गया। हाँ मैं पी के बैठता हूँ भाई, मैं रेडी होके बैठता हूँ आज, फिर करते हैं आज। चलो सूफी भैया, बाय गाइस। भाई आज बहुत मजा आएगा बिग बॉस हाउस में। बाय, ठीक है, बाय बाय बाय। ये कौन है, एक मिनट, ये सुमित भाई को ऐड होना है, एक मिनट, सुमित भाई कहाँ पे है? सुमित भाई आप दिख नहीं रहे हो यार, आ गए। सुमित भाई को ऐड कर देता हूँ 5 मिनट के लिए, इनको अपनी गैंग की ओर से कुछ बोलनी है, कुछ बातें। हेलो, तो सुमित भाई तुम्हारा क्या आज का तुम्हारा जो प्रेजेंटेशन है तुम्हारी गैंग का, वो क्या प्रेजेंटेशन क्या है? वो अक्की और सागर यदुवंशी और गोल्डी हरसाना बताएंगे। अच्छा, तो जो तुमने बात करी थी कि हाँ, बंदे को वो दे देना, वो वाला मैंने कनाटा मना थोड़ा ना करा मैंने। हाँ हाँ, तो भाई वो अपना डिसीजन ये तीन बंदे लेंगे। अच्छा, तो सारा शस्त्र और अस्त्र सारी चीजें रेडी है ना हमारे पास? हाँ, शस्त्र अस्त्र सब हर तरीके से। अच्छा, तो हमारे जो लड़के लोग हैं वो भी रेडी बैठे हैं ना? तीन है, गोल्डी हरसाना, अक्की और सागर। अच्छा, तो वो बाबा मलिक भाई साहब का क्या हुआ, वो लास्ट में आएंगे? उनको कॉल कर रही है ये कि मैं अब नहीं बोलूंगी, पनौडी सुमित नारंग को मना करो, मेरी लाइफ ना चलाएं, थोड़ा थोड़ा फ्यूज खराब हो रहा है सामने वाली पार्टी का, फ्यूज बंद हो रहा है फ्यूज में दिक्कत अच्छा। आ रही है थोड़ा, खेले में थोड़ा बारिश आ गई है खेले में। अच्छा, नहीं, खेला तो होगा ही होगा, अभी मैं लड़के लोगों को फोन करता हूँ एक घंटे में, उनको मैं थोड़ा अपने अक्की को और ये तो गोल्डी भाई को वो बात करेंगे ना आपसे, वो कह रहे थे मेरी बात करेंगे, वो एक बंदा
तो अभी कॉल कर रहा था तुम्हारे को ग्रुप में जोड़ा, तुम निकल जाते हो ग्रुप से। अरे नहीं यार, मैं सोया पड़ा था सुमित भाई यार, मैं उठता हूँ 12 बजे यार, इसीलिए। एनीवेज मैं सावर लेके ग्रुप कॉल करता हूँ। पहले अपने टीम के जो कप्तान है गोल्डी अर्चाना, पहले सबसे बात करो फिर लाइव चलाओ। ऐसी नहीं, चांटे तो लगने ही चाहिए यार, चांटे लगाए बगैर मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। अब ये इसकी हवाबाजी सारी, सागर यदुवंशी तो बहुत पागल हुआ बैठा है। हाँ बस चांटे तो लगने ही चाहिए भाई। इसको बोलो कि भाई तू एड्रेस भेज, हम लोग आने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, ठीक है। हवाबाजी नहीं चाहिए भाई। देखो यहाँ पे इंस्टाग्राम पे 1400 लोग बैठे हुए हैं। मैं आपको एक प्रॉमिस देता हूँ कि अगर इस शेरनी ने, अरे लौड़े की शेरनी, अगर ये बकरी ने अपने घर से दूर, क्योंकि गोल्डी अरसाना कह रहा है पहले भी मेरे पास स्क्रीन शॉट है, इनको लोकेशन भेजी थी, आती ही नहीं है। तो ये कह रही कि गोल्डी अरसाना कह रहा है कि एक बार मिल के बात करेगा वो, कह रहा है नीचे। अब वो इनसे टीम से पूछो क्या चाहती है टीम। कोई कोई भाई कोई बात नहीं होगी, कुछ कोई कुछ नहीं होगा। उसको बोलो कि अपने डॉन को लेके आ जाए, अपना एड्रेस भेज दे, हम लोग उधर पहुंच जाएंगे, ठीक है। हमको कोई बात नहीं करनी, कोई चीत नहीं करनी भाई। तू अब बाबा मलिक भाई को फोन कर, क्योंकि ये अक्की को बात बुरी लगी है। बार बार ये एनसीआर का नाम लेती है ना कि एनसीआर की फट गई, उनकी फट गई, ये कभी हरियाणा का नाम लेती है। तो ये गोल्डी को भी है और अक्की को भी बहुत प्रॉब्लम है, क्या भाई मिलके बात कर ले भाई, जो है गुंजाइश। क्यों भाई नहीं, मिल बात करनी ही नहीं है अब।